when you drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey, girl, shake your body like a belly dancer. Hey, make it one. Do you have any idea what you're starting? Got me tingling, come to me mingling. Stepping up, looking delicious and tingling. अबे क्या हो गया, किट पे क्यों रुका? अब जल्दी से चल भी। अबे हट, मुझे जाने दे। ये देखने से पहले मैं चुन्नी भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं गया? क्यों रे? नो नो नो। ऐ मैं अंधा, मैं क्या अंधा हो गया? ये सब कुछ मैं क्या देख पा रहा हूँ? तू उसे सही से घर पे पहुंचा दिया है ना? हाँ भाई, वो पहले घर पे एंटर किया, इसके बाद ही मैं लौट के आया हूँ। बट चंकुक, मुझे लगता है कि तुझे अब ते के बारे में पूरा सच जिमिना को बोल देना चाहिए। कैसे बताऊँ मैं उसे? वो ते को इतने दिन से फ्री समझ के अपने राजकुमार मान के आया है। मुझे डर लगता है कि वो ये सच जानने के बाद खुद को हार्म ना कर दे। इस बात का डर तो मुझे भी लगता है, क्योंकि तेरी बहन फ्री को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। किसी ने कहा था कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, तो इस वजह से मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो हम ये सब कुछ समय पे ही छोड़ देते हैं। क्या बात है जंकू, क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूँ इस वर्ल्ड में जेंडर नहीं रहता तो क्या होता। जेंडर मतलब? मतलब जैसे कि मेल और फीमेल जेंडर है, ऐसा कुछ ना रह के सिर्फ एक ही जेंडर रहता तो क्या होता? मेरे हिसाब से तब अच्छा ही होता, क्योंकि तब गर्ल्स को रेप नहीं किया जाता, तब गर्ल्स को अपने सेफ्टी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मानना पड़ता। घिनौना इंसान की वजह से लाखों गर्ल्स को अपना जिंदगी नहीं खोना पड़ता। हाँ, तो ये सारी बातें तो सही कहा है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तब तुम्हारा क्या लगता। मैं तेरा क्या लगता मतलब? देख, मैं तेरे को प्यार करता हूँ तो मैं ते के बिना नहीं रह सकता। तू जिमिना को प्यार करता है तो जिमिना के बिना नहीं रह सकता, और अदर साइड जिमिना ते को प्यार करती है तो वो ते के बिना नहीं रह सकती। और जब कोई जेंडर ही नहीं रहता तब तो सभी सबको शादी कर पाते, और तब हमारा रिश्ता का नाम क्या होता? सच में तो तब तुम्हारा क्या होता? देख, तब मैं ते को शादी करता और तू जिमिना को शादी करता तो तू मेरा साला बन जाता, और जिमिना ते को शादी करती तो ते भी मेरा साला बन जाता, एंड ते मुझे शादी करने की वजह से वो मेरा वाइफ बन गया, और तू ते का हस्बैंड बन गया, तब तू मेरा हस्बैंड बन जाता, इसका मतलब ते मेरा भाभी बन जाती। आ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसके साथ किसका शादी हुआ है? तू मेरा कौन है और मैं कौन हूँ? अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया ने मुझे मेरे राजकुमार के साथ उस वक्त उस हालत में देख लिया था। मुझे ये एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। उस वक्त तो पर भैया को नहीं आना चाहिए था। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। सुखा भैया को क्या और कोई भक्त ही नहीं मिला वहाँ पर आने के लिए, तब भी आना था। मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे राजकुमार ने मुझे किस किया था, इस वजह से मुझे कितना अच्छा लग रहा था।
लेकिन जब सुगर भैया ने मुझे इस हालत में देखा तो मुझे एकदम भी नहीं अच्छा लगा। अनएक्सपेक्टेडली आज के लिए इतना ही, इसके लिए सॉरी, मुझे कुछ काम भी है एंड यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट भी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। बाय बाय।